लगा है। यातायात साधन रोक दिए गए हैं और लोग घरों में हैं। वहीं जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, अब वो राज्य सामान्य हो रहा है। चीन में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। चीन में लोग अब काम पर जाने लगे हैं। पूरी दुनिया के कोरोना से लॉकडाउन होने के बाद चीन अब 2 महीने बाद सामान्य हो पाया है। हुबेई में यातायात पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। इससे वहां की आबादी को बहुत राहत मिली है। चीन में बीते दिन 47 कोरोना के मामले सामने आए। ये वो लोग हैं जो कहीं फंसे हुए थे और अब अपने देश वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ये संख्या 78 थी। वुहान शहर का लॉकडाउन 8 अप्रैल को खत्म किया जाएगा। इस समय चीन की सरकार कोरोना के उन मामलों पर ध्यान दे रही है जो दूसरे देशों से चीन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब चीन में स्थानीय स्तर पर कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। जो लोग अपने काम पर लौटे हैं, उन्हें सरकार द्वारा बताए गए कोरोना संबंधी नियमों का अभी भी पालन करना पड़ रहा है, ताकि फिर से ये दिक्कत ना हो। दफ्तरों, फैक्ट्रियों में जाने वाले लोगों की रोज 30 मिनट जांच हो रही है। उन्हें सारे हेल्थ कोड्स मानने पड़ रहे हैं। चीन में अजीब से अजीब व्यंजन खाने को मिलते हैं। दुनिया का ऐसा कोई खाना नहीं जो चीन में नहीं मिलता। इसीलिए चीन की नॉन वेज मार्केट पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसी ही मार्केट ने चीन को दोबारा फिर से फेमस कर दिया है, और इस बार कारण है कोरोना वायरस। ये वायरस फैला है चीन की ऐसी ही एक मार्केट से, और आज हम आपको इसी वायरस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्यों इस वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करना शुरू कर दिया है, क्यों भारत भी इस वायरस से परेशानी में आ सकता है। 31 दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर की सी फूड होलसेल मार्केट में काम करने वाले कई कर्मचारी और कई खरीदारों को सबसे पहले इस वायरस ने इन्फेक्ट किया। ये वायरस किस जानवर से स्प्रेड हुआ, इसका पूरा पता तो नहीं लग पाया, लेकिन कई जानकार इसे वहां मिलने वाले चमगादड़ के सूप से फैला मानते हैं, तो कुछ जानकार एक सांप से इसे इंसानों तक पहुंचा मानते हैं। यानी आप ये मान लें, ये चीन के असाधारण मांस खाने की आदत के कारण ही शुरू हुआ है। इससे इन्फेक्टेड मरीज को भारी कोल्ड हो जाता है, लेकिन इसका इलाज नहीं होता और ये जानलेवा हद तक पहुंच जाता है। परेशानी वाली बात तो ये है कि इससे इन्फेक्टेड आधे से ज्यादा मरीजों को ये पता नहीं होता कि उन्हें साधारण कोल्ड हुआ है या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अब इस पर नजर रखे हुए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसे गंभीर स्थिति बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या चीज और क्यों इसे खतरनाक बताया जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है। ये उनमें डिसीज पैदा करता है, लेकिन अगर इंसान इससे पीड़ित जानवर को खा लेता है तो वो इंसान भी इससे पीड़ित हो जाता है। इस वायरस से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यानी नाक, मुंह और गला इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे पीड़ित पेशेंट जुकाम जैसे हालात महसूस करता है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जुकाम का इलाज मौजूद है, लेकिन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान के लिए अब तक कोई इलाज नहीं बनाया जा सका है। 2003 में चीन में ही सांस फैला था, जो जेनेटिकली 70% तक कोरोना वायरस जैसा ही है, या मान लें कि वो कोरोना वायरस का ही जुड़वा भाई है। उस समय भी चीन की ऐसी खाने की आदतों के कारण ही ये इन्फेक्शन फैला था। खबरों में बताया जा रहा है कि अब तक ये वायरस चीन से होता हुआ थाईलैंड, म्यांमार, फ्रांस और अब अमेरिका तक भी पहुँच चुका है। पूरी दुनिया में इसके 5000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जिसमें से 140 मौतें भी हो चुकी हैं। और अगर इसका एनालाइज हम सांस से करें तो पहले एक महीने में ही कोरोना वायरस सांस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब बात करते हैं भारत पर कोरोना वायरस के असर की। भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने चीन से आए 9000 से ज्यादा यात्रियों के टेस्ट किए। इसी के साथ इस वायरस से जुड़ी कई गलत जानकारी भी फैलाई जा रही है, जैसे कि इस बीमारी की गलत तस्वीरें और सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। आप ये जान लें, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो नाक, मुंह और गले को इन्फेक्ट करता है, और इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं।